हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फ्री में वेबसाइट है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम के अंदर। क्रोम में यहाँ पे हम इंटर करते हैं www.website.com, इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे पेड का भी है और फ्री का भी है। तो यहाँ पे हम है फ्री का है वो लेंगे, जिसके अंदर हमारी साइट है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो हमें जाना होगा साइनअप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे साइनअप के ऊपर जा रहा हूँ। साइनअप के ऊपर आ गया है तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अकाउंट आ रहा है। एक तो यहाँ पे फ्री का है और एक यहाँ पे $2 का है, एक 5 का है और एक 10 का है। तो हमें इसमें से क्या है, फ्री का सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। कम्प्लीटली फ्री होगा ये, 10 पेजेज हम की साइट बना सकते हैं हम, 1 GB की बैंडविड्थ होगी इसकी, फ्री में वेब होस्टिंग होगी और इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स होगा इसमें, और 100% कमीशन फ्री होगा एंड रेस्टोरेंट मैनेजर भी होगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लिया है हमने। सेलेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ से हमें नाम, लास्ट नेम, ईमेल सभी मांग रहा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको साइनअप करना है। या यहाँ से हम फेसबुक से भी साइनअप कर सकते हैं या साइनअप विथ गूगल भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही साइनअप विथ गूगल करते हैं, या यदि आप साइनअप विथ गूगल नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नाम हम डाल के भी कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम साइनअप विथ गूगल करते हैं। साइनअप विथ गूगल करने पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ईमेल्स आएगी, जितनी भी हमारी ईमेल्स है वो यहाँ पे, यहाँ लॉगिन है तो हमें उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो चलो ठीक है, मैं ऊपर ऊपर वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली है, चलो कुछ वेट करना पड़ेगा, दोबारा से एक बार इसमें डालना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है, सबमिट हो रही है हमारी साइट क्रिएट होने की। ये हमारी है गिव योर वेबसाइट नेम। तो ये यहाँ पे आ गया है कि आप अपनी वेबसाइट का नाम दीजिए, जिसका डोमेन होगा website2.me। ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हो, तो हमें चेंज करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है GECAKTech। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, GECAKTech नाम से मेरी साइट है मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो चूज़ दिस नेम, ये नेम है मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो ये वापस से सबमिटिंग हो रही है रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है, तो यहाँ पे हम इसे एग्री कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम जो भी है हम इसे पढ़ लेना हम ध्यान से। इसके बाद में सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर से सबमिट हो रही है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सबमिशन हो रहा है। ये ऑलमोस्ट देर हो गया है, हमारी साइट है वो ऑलमोस्ट हो गई है। तो ये बोल रहा है कि आपको साइट के अंदर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। आप यहाँ से वीडियो पे जाके देख सकते हो, या अभी मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे परसेंटेज है जो भी आपने साइट बनाई है हमारी, ये तैयार हो रही है बन के, जिसके अंदर फिर हमें एडिट और करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम वेट करते हैं। ये स्टार्ट हो रही है, 42 हो गई, 43 हो गई है, तो ये स्टार्ट हो रही है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि कुछ फीचर्स है वो हमें दिए नहीं होंगे, इसीलिए ये फ्री दी हुई है। तो वैसे फ्री कुछ होता नहीं है, बट इसमें फ्री दिया हुआ है क्योंकि हम पहले इनको ट्राई करते हैं, तो हमें रिक्वायर्ड होती है और ज़्यादा की, तो हमें अपग्रेड करना होता है, जिसलिए हमें फिर पेड करना होता है। इसलिए ये पहले फ्री वेबसाइट है। तो यदि आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप इसी के ऊपर जाना, और ये इसके अंदर वेबसाइट है वो डिज़ाइनिंग है जो भी है, कैसे एडिट करते हैं वो सीख लेना। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया है, हमें जाना है अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो रही है वापस से रिक्वेस्ट नेक्स्ट के लिए। तो ये योर अकाउंट सेटअप इज़ कम्प्लीटेड, तो ये बता रहा है कि आपने है अपना अकाउंट है बना लिया है, आपकी साइट का नाम है GECAKTech.website2.me। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि स्टार्ट करिए आप अपनी वेबसाइट को एडिट करना या बिल्डिंग करना। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट बिल्डिंग माय वेबसाइट पे हम जाते हैं। तो एडिटर का आएगा यहाँ पे, जिसके अंदर हमें है साइट है उसमें एडिट करनी है, क्या नाम है, क्या ऑप्शन है, सर्विस क्या है, कॉन्टेक्ट हमारा क्या है, जो भी है हमें वेबसाइट है उसको एडिट करना है। तो चलो ठीक है, हम चलते हैं इसके अंदर, इसमें चलते हैं। ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है, हमें वेट करना होगा यहाँ पे थोड़ा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिस प्रकार से हम यहाँ पे फ्री में साइट है बना सकते हैं,
और हमारे जर्नल की भी साइट बना सकते हैं, सीख सकते हैं फ्री के अंदर। वह जब हमें नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद में हम हमारा प्रॉपर डोमेन लेके हमें साइट है बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं क्लिक। तो ये हमारी साइट है, ये यहाँ पे सिलेक्टेड वेबसाइट टेम्पलेट, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। हम बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं जिसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमारे टेम्पलेट्स है, इमेज है, वो सभी डालनी होगी। ठीक है, ये बहुत सारे आ गए हैं। तो इसमें से पहले तो हमें एक पैम्पलेट है, टेम्पलेट है, वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये करना है या करना है, कोई सा भी कर लीजिए। तो ठीक है, हमने पहले ये सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो यूज़ टेम्पलेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में स्टार्ट योर वेबसाइट विद दिस टेम्पलेट, तो कंटिन्यू करते हैं हम। कंटिन्यू करने पर ये वापस से इसको लोड लेगा, लोडिंग करेगा इसको, और ये नए पेज पर जाएगा। तो वहाँ पे हमें एडिटिंग करना होगा। तो लोडिंग और साइट बिल्डर बन, ये लोडिंग हो रहा है दोस्तों, वेट करते ही। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो या आपकी साइट बन जाए, उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर साइट है वो लोडिंग हो रही है, ये हमारी साइट है वो हम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो ये बोल रहा है कि आप है इसको स्टार्ट कीजिए, तो हम इसे लेट से स्टार्ट करते हैं या यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बताएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले इनके ऊपर चले जाते हैं, जो भी आप पढ़ लेना है इसको, ये आपको ऑप्शन बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है, ये हो गया है हमारा। तो ठीक है, ये हमारी साइट आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऑप्शन है कि हमें यहाँ पे हेडर पे क्या रखना है, यहाँ पे हमारी साइट का नाम क्या रखना है, होम क्या रखना है, न्यू में क्या, शॉप में क्या, अबाउट में क्या, कॉन्टेक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फ्रेश यूनिक एंड रिसेशनल क्या है, बाकी क्या है, सभी इसके अंदर हमें क्या करना है, फिर एडिट करना है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक आज पूरा करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से है इसी पे साइट बनाई थी और उसको मैंने किस प्रकार से एडिट किया था। तो वो वेबसाइट आपको ओपन करके बता देता हूँ। आप जब यहाँ पे सभी एडिट कर ले, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करने के जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये सब कुछ कर लिया है, अभी यहाँ पे इसमें क्या करूँगा, इसको पब्लिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने पब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरे को मोबाइल में भी देखना है और बाकी सभी जगह देखना है, तो इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये पब्लिश कर दिया है मैंने, यहाँ पे 5 पेज मैंने चूज किए थे। ठीक है दोस्तों, पब्लिश हो रहा है, ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट टू प्रोफेशनल कस्टमाइज डोमेन। तो हम प्रोफेशनल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा है यूज है, ये डोमेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू जाना है। कंटिन्यू जाने के बाद में यहाँ पे हमें ये हमारी साइट हो जाएगी, तो हम यहाँ से यू कर सकते हैं और यहाँ से डन हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइट को है कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, खोलना है हमारी साइट, और डन कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नया पेज खोलेंगे। नया पेज में खोलने के बाद में हम हमारी साइट को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे और इंटर का प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी दोस्तों। देख लीजिए, मैं अपनी साइट का नाम है gckktech.website2.bi। तो ये हमारी साइट है, ओपन हो गई है। अब देख लेना आप अपनी साइट को किस प्रकार से एडिट करते हो। तो ये देख लीजिए, मैंने जुपिटर फ्लोवर्स था ऊपर ही ऊपर, तो इस प्रकार से आया है। ये अपनी साइट है, ओपन हो गई है। इसके अंदर ये सभी जी डिटेल्स थी वो डाली हुई थी, हमें एडिट करने पर है ये आ जाएगा। हमें एडिट में होम को भी एडिट कर सकते हैं, न्यू को भी कर सकते हैं, शॉप में क्या है, अबाउट में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सभी को हमें एडिट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ मेरी साइट को मैंने किस प्रकार से एडिट किया था। तो मेरी साइट का नाम था रीप, ये मेरी साइट का नाम है REAP एडमिशन। ठीक है, तो ये दो मैंने एक साइट बनाई थी, इसके ऊपर, इसी के ऊपर मैंने साइट बनाई थी ये। तो आप देख सकते हो इस साइट किस प्रकार से मैंने इसको एडिट किया था। यदि आपको दोस्तों एडिट करना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे है, मैंने ये डाल दिया था। आपको नीचे भी देखो, ये सभी है नीचे, फाइंड है, ओपन, यहाँ पे सभी अपनी अपनी, यहाँ पे फेसबुक की लिंक है डालना है, यूट्यूब की लिंक है डालना है। यहाँ पे मैं यूट्यूब की, यहाँ पे क्लिक करते हैं मेरे यूट्यूब पे चला जाएगा। ये सर्विसेज क्या है आपकी, मैंने यहाँ पे डाल रखी है सर्विसेज, गैलरी में डाल रखा है मैंने फ़ोटोज़, कॉन्टेक्ट के अंदर क्या रखा है, कॉन्टेक्ट के अंदर हमने एडिट किया है, कॉन्टेक्ट के अंदर हम मैसेज कर सकते हैं, या जो भी है कोई भी आएगा अपनी साइट के ऊपर वो मैसेज कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कांटेक्ट में जब मैं जाता हूँ, ओपन होने दो कांटेक्ट का। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेट कर रखा है, यहाँ पे मैंने पहले तो क्या कर रखा है, यहाँ पे मेरी लोकेशन डाल रखी है, यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम क्या है, कैमिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है,
ये मैं कितने ओपन हाउस कितने हैं, यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे मेरे कोई भी क्वेरी चाहता है तो यहाँ से मैसेज कर सकता है दोस्तों, सबमिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे जैसे मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ही मेरी ओपन होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए देख लीजिएगा आप, क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ही मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लिक होगा। जैसे मैंने इसके अंदर मेरा चैनल है वो ऐड कर रखा है तो वो ओपन होगा गवर्नमेंट एजू कॉलेज मेरे नाम से, तो ये मेरा ओपन हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से हम है साइट है बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको और कुछ रिक्वायर्ड हो तो आप मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये मैंने अभी साइट बनाई थी वो ये है, देख लीजिए दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।